हेलो बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी और फिर आज हम लोग अपने यूट्यूब चैनल साउथ सिटी पर मिल रहे हैं एक बार फिर से। और आज फिर हम लोग अपने वही कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फिर से बात करने वाले हैं, कुछ सीबीएसई के, कुछ आईएसई के, कुछ ऐसे और भी क्वेश्चन हमें बात करनी है। तो जहाँ लास्ट लेक्चर को हमने छोड़ा था उसी के आगे हम लोग कॉन्टिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में भी हमने क्वेश्चन पे ही बात की थी और फिर से हम लोग बात करने वाले हैं। चलते हैं अपने अगले कुछ क्वेश्चंस के कलेक्शन पे। देखिए जैसे कि हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन है। राइट द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग। जैसे इसमें मेजर प्रोडक्ट बनाने कुछ रिएक्शन के ही टॉपिक है और इन रिएक्शन के टॉपिक पे क्या होने वाला है जरा बात करते हैं इस पे। जैसे ये क्वेश्चन है हमारा CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2CN। ये Cl है साइनाइड है, डाइबल एच लगा हुआ है, डाइबल एच कभी लगा होता है तो डाइबल एच भी हाइड्रोजनेशन कराता है। तो जैसे ही आप हाइड्रोजनेशन कराएंगे, हाइड्रोजनेशन में क्या होगा, CH3 ऐसे ही रहेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH डबल बॉन्ड। फिर इसने बोला है कि आप हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। तो जैसे ही इसका हाइड्रोलिसिस आप कराओगे H2 और H+ के साथ, तुरंत यहाँ पर प्रोडक्ट बना देगा और इस प्रोडक्ट का नाम होगा CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। और ये है आपका आगे CH2 के बाद CHO प्लस NH3। इस तरह से कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है और आपके पास अगली रिएक्शन आती है CrO3 से। CrO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। और जब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो यहाँ एल्कोहल जो होता है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, पूरी 1 डिग्री एल्कोहल एल्डिहाइड में। क्योंकि यही वो रिएजेंट है जो इनमें डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो हमारे पास फ्यूजन बिटवीन प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनोन, टॉलरेंस रिएजेंट, एल्डिहाइड हमेशा टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देता है और सिल्वर बनाता है। और प्रोपेनोन की बात करें तो प्रोपेनोन हमारा जो होता है वो हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देगा क्योंकि कीटोन है और कीटोन कभी भी फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट और टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं देता, केवल हेलोफॉर्म टेस्ट देता है। आगे कह रहे राइट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बेंजाल्डिहाइड रिएक्ट्स विद। बेंजाल्डिहाइड रिएक्ट करता है CH3CHO से द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। डाइल्यूट NaOH की बेंजाल्डिहाइड रिएक्शन करता है, चुंबकीय करके दिखाते हैं रिएक्शन। ये आपका बेंजाल्डिहाइड है और बेंजाल्डिहाइड रिएक्शन करने जा रहा है CH3CHO से, CH3CHO से, CH3CHO से रिएक्शन करने जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस। जैसे ही डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो ये का अल्फा कार्बन उस अल्फा हाइड्रोजन के साथ, और जैसे ही ये अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन के साथ मिलेगा तो इसका OH CH2 CHO बन जाएगा। आगे कह रहा बेंजाल्डिहाइड रिएक्ट विद ये फिनाइल हाइड्रोजन है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि कभी भी कोई भी एल्डिहाइड अगर रिएक्शन करता है अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स से, जो अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स से रिएक्शन करता है C6H5NH NH2 H+ है, रिएक्शन करेगा H2 निकल जाएगा, या आपके पास बेंजाल्डिहाइड है सिक डबल बॉन्ड NaNH C6H5।
प्लस एच टू, इस तरह से ये कंपाउंड आपका बन जाता है। आगे मेरा बेंजीन डिहाइड जो होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड एनवायरमेंट से रिएक्शन करता है, तो ये आपकी क्रॉस एंडिहाइड, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन कह सकते हो इसको, क्रॉस एंडोल भी आ सकता है एक बार इसमें। ये आपकी जो कॉन्सेंट्रेटेड एनवायरमेंट से है यानी बेंजीन डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स आप लीजिए और इन दो मॉलिक्यूल्स को आप रिएक्शन कराइए। बेंजीन डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स लीजिए, रिएक्शन का नाम कैनिजारो रिएक्शन है और कैनिजारो रिएक्शन जब रिएक्शन करेगा NaOH से, जैसे ही NaOH से रिएक्शन करेगा तो आपका एक कंपाउंड बनाएगा CH2OH और दूसरा कंपाउंड बनाएगा आपका COOH सोडियम बेंजोएट बनाएगा। इस तरह से आपने देख लिया। अब आगे करा डिस्टिंग्यूश बिटवीन CH डबल बॉन्ड CH2CH एंड CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, बेंजाल्डिहाइड एंड बेंजोइक एसिड, तो ये सब के लिए हमने अलग अलग रिएजेंट आपको बताए थे। आगे हम लोग रिएक्शन पे बात करते हैं, तो जैसे फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा इन रिएक्शन का, तो जरा इसकी बात कर लेते हैं। हमारे पास जो रिएक्शन है फाइनल रिएक्शन पर इससे बात करते हैं, थ्री तो थ्री जिंक अमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड अमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड में रिडक्शन होगा, इसको 4H लेंगे और जैसे ही 4H से इसका हम लोग रिडक्शन कराएंगे, 4H से रिडक्शन करवाते ही ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोपेन में, यानी CH3+H2 एक प्रोपेन बनेगा, इसका प्रोपेन नाम है। अब ये रिएक्शन है हमारे पास CH2NaOH, आप देख रहे हो सोडियम बेंजोएट, द प्रेजेंस ऑफ H2 सोडियम कार्बोनेट। आगे क्या कह रहा है, डाइबल एच वाली रिएक्शन सेम कॉन्सेप्ट में जो ऊपर मैंने कराया था। आगे कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के ऑर्डर में करना है हमको, और हमारे पास कंपाउंड है CH3COCH3HCHO और तीसरा है हमारे पास CH3CH2। कह रहा है कि इनको रिएक्टिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, तो मेरे बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो रिएक्टिविटी की बात होती है तो आप खुद ही देखिए रिएक्टिविटी में कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड जो होते हैं वो कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि कीटोन में जो होता है वो स्टेरिक हिंड्रेंस काम करता है, स्टेरिक रीजन होता है, इलेक्ट्रॉनिक रीजन होता है, जिसकी वजह से कीटोन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्डिहाइड्स, सॉरी लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड। तो अगर रिएक्टिविटी के ऑर्डर में रखें सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस HCHO पर होगा, HCHO इज मोर रिएक्टिव देन CH3CHO और सबसे लेस रिएक्टिव होगा CH3। ये है आपका रिएक्टिव ऑर्डर, ये आपका रिएक्टिव, इस तरह से आप देख रहे हो कि ये आपका रिएक्टिविटी। अब आपने देखा कि रिएक्टिविटी ऑर्डर हो जाता है, इसके बाद आगे हम लोग बात करें और कुछ क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कंपाउंड है, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द कंपाउंड ए एंड बी ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले कभी भी चाहे जितने बड़े कार्बन का
दिखाई लगा हो, और इस केस में आप सिर्फ क्या देखोगे यहाँ पे तुरंत ऑक्सीडेशन होगा इसका और ऑक्सीडेशन बना देगा COO के, ठीक। और जैसे ही COO के का करके यहाँ बना देगा OOH H, ठीक। टाइप से अब यहाँ भी आप देखेंगे नॉल है और इसका ऑक्सीडेशन कराओगे साइक्लिक सॉरी साइक्लोहेक्सेनॉल है एल्कोहल है 2 डिग्री है, जैसे ही इसका आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये साइक्लोहेक्सेनॉन बनाएगा और साइक्लोहेक्सेनॉन बनाएगा ये आपका सेमी कार्बोक्साइड है और इसका ये H को लेके चल जाएगा और जब निकल जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड N NH प्लस H2। तरह से आप देख रहे हो कि ये क्वेश्चन ये सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जा सकते हैं, बात को बहुत ही ज्यादा ध्यान देना। आगे जैसे हम लोग बात कर रहे हैं आपके पास कंप्लीट द फॉलोइंग है NaCl प्लस HCl है, अब किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन में NaCl करोगे तो ये हो जाएगा HCl, यानी आप अगर इस पे HCl की रिएक्शन कराओगे HCl की रिएक्शन करवाने के क्या होता है HCl का रिएक्शन कराओगे तो डबल बॉन्ड O H है यहाँ पे OH और ये हो जाएगा HCl। के बाद दूसरा है C6H5CH2 का होल ट्वाइस कैडमियम क्लोराइड है, क्या आपको कहा था कि फ्रॉम डाई एल्काइल कैडमियम, जैसे ही आप करवाओगे इस रिएक्शन को करवाने में CDCl2 बाहर हो जाएगा और आपका जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH3CO CH2 C6 दो मोल्स में का और CDCl2 जो है वो आपका बाहर हो जाएगा, ठीक। आपने देखा आगे कह रहा है कि ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है और इस कार्बोक्सिलिक एसिड पे आप ब्रोमीन और फास्फोरस की रिएक्शन करवा रहे हैं, तो जैसे ही आप देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप के बगल में ये है अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन पे लगा है अल्फा हाइड्रोजन, जब आप अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्शन कराओगे बीआर से तो आप देख क्या रहे हो कि यहाँ पे ये एच जो है इस अल्फा कार्बन के अल्फा हाइड्रोजन को ये रिप्लेस कर देगा और रिप्लेस करके ये जो है यहाँ पे आप देख रहे हो बीच बीच बहुत सारे रिएक्शन रही है, ठीक। तो आपको देखे रहना बनाए रहना ऐसे तरह रिएक्शन आपको करते रहना है क्योंकि आपको इसी तरह से आगे कंपाउंड और क्वेश्चन के मिलते रहेंगे। अगली रिएक्शन देखिए प्रोपेनोइक एसिड डाइल्यूट बेस, प्रोपेनोन इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट बेस, ये आपकी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। जस्ट अ मिनट पहले आपको हमने बताया था जिंक अमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ये आपकी क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन है, जो क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन है तो उसमें भी आपका क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन है, इधर बेंजोइल क्लोराइड पैलेडियम एंड द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट, ये आपकी रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन, ये आपकी क्लीमेंसन, ये आपकी रोजेनमुंड, ये सारी की सारी रिएक्शन वापस रिपीट होके आ रही हैं और रिपीट आ रही इस तरह से आपको देखना है। अभी कह रहा है कि राइट स्ट्रक्चर्स एंड मेन प्रोडक्ट ए एंड बी of the following, ये तीनों रिएक्शन आप पहले ही कर चुके हो, तो जो रिएक्शन जो क्वेश्चन
पहले करवा चुके हैं, उन क्वेश्चंस पे हमको बात नहीं करनी है। बाकी आगे नए नए क्वेश्चंस जो मिल रहे हैं उन पे हम बात कर रहे हैं। आगे कह रहा है कि H5COOH चाहे कोई अल्कोहल हो, कोई एल्डिहाइड हो, या कीटोन व्हाटएवर कोई भी हो, लेकिन जब आप PCl5 की रिएक्शन कराओगे उस पे तो आप वही कॉन्सेप्ट वही प्रोसेस तो आप करते आ रहे हो, वही आपका होना है यहाँ भी। PCl5 से जैसे भी कराओगे उसी H5COCl पहला स्टेप है, ये A है, और इस A पे जैसे ही आप H2 मिलाओगे पैलेडियम बेरियम सल्फेट के साथ, जैसे ही पैलेडियम बेरियम सल्फेट के साथ आप H2 मिलाओगे बन जाएगा C6H5CHO, क्या बन जाएगा C6H5CHO। अगली रिएक्शन है C3CN, C3CN से C3MgCl, इस रिएक्शन को भी हम लोग एक बार से ही कर लेते हैं। जैसे हमारे पास रिएक्शन C3CN प्लस कैसी है, देखो जैसे ही मिलाओगे इस पे वही आपका कॉन्सेप्ट वही वाला जो लगा था जिस कॉन्सेप्ट पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो प्लस माइनस माइनस प्लस, ये माइनस वाला पार्ट यहाँ और ये प्लस वाला पार्ट यहाँ, क्या हो जाएगा C3 फिर C है और C पे C3 लगेगा, डबल बॉन्ड NMG, ठीक। और इस पे जैसे ही हम लोग H2 को मिला देंगे H+ के साथ, जैसे ही H2 मिला देंगे H+ के साथ, ये आपका C3COCl3 प्लस MgNH2 ये हो गया। अब इसका क्लीमेंसन रिडक्शन आप करा दीजिए, जेडन Hg प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, जैसे ही इस पे जेडन Hg प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl मिला दोगे तो ये बन जाएगा आपका CH3CH2CS3, और ये है आपका प्रोपेटिक, ये आपकी क्लीमेंसन रिडक्शन। इसी तरह से और भी एक रिएक्शन, अगर आप बेंजोइक एसिड आप स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड, अगर आप बेंजोइक एसिड जो है वो एसिटिक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, इसका रीजन क्या है तो मैं आपको बता दूं, बेंजोइक एसिड में रेजोनेंस होता है और एसिटिक एसिड में रेजोनेंस नहीं होता, इसलिए बेंजोइक एसिड क्या करता है कि भाई रेजोनेंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिंग के अंदर की तरफ इंटर कर जाते हैं, शिफ्ट होते हैं, ठीक। तो रेजोनेंस की वजह से अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे और CH3COOH में जो CH3 ग्रुप लगा है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होता है वो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है बल्कि स्ट्रेंथ को घटा देता है, केस वही, आपको पहले बताया था कि अगर आपसे कहता है HCHO और CH3CHO में मोर रिएक्टिव कौन है तो आपको आंसर देना है कि मिथेनल इज मोर रिएक्टिव देन आपके पास तो करके लेकिन अच्छी रिएक्शन H3CH2OH PC, तो
ये जो CH3CH2OH है और इस पे पी ऑक्सीडेशन कराएंगे आप, ये ऑक्सीडेशन होता है चूंकि PCC क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आप ऑक्सीडेशन कराओगे ये बना देगा CH3CHO, H2O बाहर कर देगा, H2O बाहर कर देगा, CH3CHO बना देगा, और इस CH3CHO अगर आप एडिशन ऑफ इथेनॉल कर दीजिए, एडिशन ऑफ मिथेनॉल नेगेटिव पॉजिटिव, और ये दूसरी बार ड्राई HCl गैस, ठीक जैसे ऐड करोगे तो ये नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, रिएक्शन होगी आपकी और जरूर होगी, हेमी एसिटाइल बनेगा, हेमी एसिटाइल बनेगा। ठीक है H2O निकला ऊपर लग जाएगा CH3CHOCS और ये ये आपका हेमी एसिटल है, और ये आपका एसिटल, ठीक, और यहां से भी आपका H2O, ठीक, ये हमारे पास कंपाउंड हो गया। चलो और देखिए टाइप से सी के आगे सीक्वेंस में आपका NaOI है प्लस, ये जो रिएक्शन है C6H5CO3 NaOI की, कभी भी NaOI जो रिएक्शन करता है वो आयडोफॉर्म, और आयडोफॉर्म रिएक्शन आपको I2 प्लस NaOH चाहिए, ठीक, और I2 प्लस NaOH ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पे आपका CHI3 प्लस CH5COOH ठीक, ये आपका A है और ये सोडियम बेस है तो आपका अगला कंपाउंड, समझ गए, ऐसे आपको रिएक्शन करते रहना है। ये आप देख रहे हो कि आपके पास आइडोफॉर्म टेस्ट हुआ है, अब आइडोफॉर्म टेस्ट के बाद अगर आपकी बात करेंगे तो अब हम लोग बात करेंगे कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड पे बात कर लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड भी बहुत ही अच्छा कंटेंट है, हम लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन के मैक्सिमम हो सकते थे वो क्वेश्चंस किए हैं, एक दो क्वेश्चन हमारे पास और भी हैं, तो इसमें जरा उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन छूट रहा था, कह रहा है कि एनऑर्गेनिक कंपाउंड ए हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8O गिव्स ऑरेंज रेड पीपी C and write the their structure, write the reaction of compound A with I2NaOH, second NaBH4, तो इसी पे हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड्स में।
सीक्वेंस में हम लोग बात करते हैं कुछ कंपाउंड की। अब जैसे हमारे पास पहली रिएक्शन थी इसकी देखिए, जैसे हमारे पास कह रहा है कंपाउंड ए हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O गिव्स ऑरेंज रेड पीपी कॉमा 4 डीएलपी रिलीज डाइनाइट्रोफिनाइल रिएजेंट टेस्ट होता है, ये एल्डिहाइड और कीटोन को आपस में सेपरेट करता है। ठीक, तो सेपरेट क्या करता है, ये कीटोन और एल्डिहाइड ही इस टेस्ट को देते हैं डीएलपी रिएजेंट को और कोई कंपाउंड नहीं देता। तो और दूसरी बात बोल रहा है, अब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों हैं जिनमें भी सीओ कार्बोनिल ग्रुप होता है वो डीएलपी टेस्ट देते हैं, ये आपका बेसिक क्वेश्चन है। इसके बाद कह रहा है वो तो ठीक है डीएलपी टेस्ट दे रहे हैं लेकिन क्या इट डज नॉट रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट, ये टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करता, इसका मतलब ये एल्डिहाइड नहीं हो सकता क्योंकि अगर एल्डिहाइड होता तो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देता। बट गिव्स येलो पीपीटी ऑफ हाइड्रोफॉर्म विद हाइड्रोजन एक्शन, कह रहा है कि हाइड्रोफॉर्म का येलो पीपीटी बनाता है, येलो पीपीटी बनाता है हाइड्रो और एनएच के साथ। ठीक, तो इसका मतलब कंफर्म है कि ये कीटोन है और कीटोन में भी एक जो सीएच3 लगा हुआ है वो सीएच3 लगा हुआ है इस सीओ ग्रुप से अटैच है। चलिए इसी पे बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले 4 कार्बन का है 8 हाइड्रोजन है, तो बात करते हैं CH3 जब हाइड्रोफॉर्म टेस्ट दे रहा तो इसका मतलब है कि पक्का ये CH3CH2। इसका मतलब है कि ये डीएलपी टेस्ट दे रहा है, हाइड्रोफॉर्म टेस्ट दे रहा, ठीक है। कह रहा है कि इस कंपाउंड को रिडक्शन कराते हैं NaBH4 से तो कंपाउंड सी देता बी देता है, चलिए इस पर रिडक्शन कराते हैं। रिडक्शन चूंकि ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो जैसे ही रिडक्शन कराओगे NaBH4 की प्रेजेंस में NaBH4 की प्रेजेंस में ये आपका दे देगा CH3 CHOH CH2 CH3 2 डिग्री अल्कोहल बना देगा और ये 2 डिग्री अल्कोहल अगर कह रहा है आगे अंडरगोस डिहाइड्रेशन ऑन हीटिंग कंसंट्रेटेड H2SO4, तो ये कंपाउंड ए था वो कंपाउंड ए NaBH4 से रिएक्शन करके कंपाउंड बी बनाता है और बी कह रहा है कि डिहाइड्रेशन दिखाता है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। जैसे ही H2SO4 के साथ कंसंट्रेशन दिखाएगा H3 एलिमिनेशन लॉन्ग चेन वाले साइड से होगा और ये आपका कंपाउंड बनेगा सी। ठीक, अब जैसे ही सी बना कंपाउंड सी ऑन ओजोनिक्सिस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल, जैसे ही इस पे आप ओजोन फर्स्ट टाइम ओजोन से बोलोगे फिर सेकंड टाइम आप ओजोन के अलावा O3 के अलावा जिंक प्लस H2 करोगे तो ये आपके पास 2 मोल्स ऑफ CH3 CHO दे देगा, CH3 CHO दे देगा। ए बी और सी ये आपके ए बी सी तो हमारे आइडेंटिफाई हो गए। राइट द रिएक्शन ऑफ कंपाउंड ए विद NaOH एंड I2 एंड NaBH4, तो भैया जी NaBH4 से तो मैंने करा दी लेकिन I2 और NaOH की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग से भी उसकी करा देते हैं तो CH3CO5, चूंकि खासियत ये है कि जब कार्बोनिल कंपाउंड से CH3 लगा होता है तभी वो I2 और NaOH करता है, तो जल्दी से Pi2 प्लस NaOH जैसे ही मिलाओगे तो वो आपको CHI3 प्लस CHI3 प्लस CH3 CH2 COOH ये दे देगा। ठीक, येलो पीपीटी ऑफ हाइड्रोफॉर्म। ठीक, तो इस तरह से आपके पास ये कंपाउंड बन के आ जाए। अब जो है आपके पास अगला है कह रहा गिव रीजन,
ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेनल इज ग्रेटर देन प्रोपेनोन, यानी कि प्रोपेनल का ऑक्सीडेशन जो होता है वो प्रोपेनोन से इजियर होता है। उसका रीजन है कि एल्डिहाइड जो होता है वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी ऑक्सीडाइज होता है, CHO ग्रुप बहुत तेजी से CHO ग्रुप जो है वो COOH में ऑक्सीडाइज हो जाता है, कैरिंग हिंड्रेंस कम होता है, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक रीजन भी होता है। लेकिन प्रोपेनोन जो होता है ये इसमें कैरिंग हिंड्रेंस ज्यादा होता है, इसलिए ऑक्सीडेशन करवाने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की नीड होती है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की नीड। ठीक, आगे कह रहा है कि अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इज एसिडिक, कहना जो अल्फा हाइड्रोजन है चाहे एल्डिहाइड का हो या कीटोन का हो, अल्फा हाइड्रोजन मतलब आप समझ गए होंगे चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो उसके बगल वाला जो कार्बन होता है लास्ट वाला कार्बन मतलब फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन जस्ट बगल वाले कार्बन को, तो अल्फा कार्बन हाइड्रोजन कह रहा है कि अल्फा हाइड्रोजन ही एसिडिक नेचर का होता है क्योंकि उसमें इंडक्टिव इफेक्ट ऑक्सीजन का ज्यादा लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ा होता है उससे और उसमें इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा क्रिएट होता है, इसी वजह से वो अल्फा हाइड्रोजन बढ़ जाते हैं, इसलिए बढ़ जाता है। आगे कह रहा है साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन ऑफ साइक्लोब्यूटेनोन, साइक्लोब्यूटेनोन का आप साइनोहाइड्रिन बनाइए, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, वो दोनों तरीके मैंने बता दिए, साइनोहाइड्रिन और साइक्लोब्यूटेनोन। साइक्लोब्यूटेनोन जो होता है वो 4 कार्बन का कीटोन है, कुछ तरह से ये साइक्लोब्यूटेनोन है और कह रहा है कि इस पे साइनोहाइड्रिन लगा होगा, तो OH और ये एनी एसिटल ऑफ इथेनल, एनी एसिटल ऑफ इथेनल पे हमने कहा था अभी थोड़ी देर पहले अल्कोहल की और एल्डिहाइड की रिएक्शन कराई थी, इथेनल की भी ऐसी रिएक्शन होती है CH OH एंड OCH2H5, केवल अगर दोनों जगह OCH2H5 होता तो वो एसिटल हो जाता, एनी एसिटल इसीलिए। तो आपने क्या देखा कि आपके पास बहुत सारी रिएक्शन थी जो आपने देखा कि पीछे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर के रिएक्शन थी, अब ये एल्डिहाइड और कीटोन का मैटर था, अब हम लोग थोड़ा सा कार्बोक्सिलिक एसिड पे बात कर लेते हैं, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड भी चैप्टर के सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ सब सॉरी एसिडिक स्ट्रेंथ पे बात भी करेंगे हम लोग। चलते हैं अपने कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ, अभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन और भी हम आपको करवाते रहेंगे। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड पे बात करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे पहले By the hydrolysis of ज्यादातर कंपाउंड का hydrolysis करवाते हैं तो आपका एसिड by the hydrolysis of जैसे first point है from acid chloride जैसे ही आप एसिड क्लोराइड का करवाइए RCOC H प्लस तुरंत ये क्या बना देगा RCOOH फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट ये फ्रॉम एसिड कह रहा है फ्रॉम एसिड
अमाइड. ये साइनाइड है, नाइट्राइल है, इसमें अगर आप दो मोल वाटर मॉलिक्यूल बताइए तो भी आप वहीं तक पहुंच जाएंगे जहां तक आपको पहुंचना है, कार्बोक्सिलिक एसिड तक प्लस NH3 गैस निकल जाती है. तो इस तरह से आप क्या देख रहे हो कि NH3 गैस निकल जाती है. ऐसे ही और भी एसिड की मेथड है, ये एसिड अमाइड हो गया, एसिड क्लोराइड हो गया, फ्रॉम ईस्टर भी आप देख सकते हैं, फ्रॉम ईस्टर भी देख सकते हो आप. ईस्टर पे देखिए क्या होता है, R CO O R + H2. जैसे ही H प्लस की प्रेजेंस में आप कराओगे रिएक्शन, जाएगा R CO H + R - एल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक. किसी भी चीज को आप कराइए, इधर भी आप करवाइए रिएक्शन और प्रोडक्ट पाइए +CH5. इस तरह से आप क्या देख रहे हो कि आपने रिएक्शन इतनी आसानी से आपको भी बात करी और आप कर लगातार बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से करवा रखा है. अगर इसी तरह से आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पे, टॉपिक पे, सीरियस पे बात करनी है तो आपको बने रहना होगा हमारे यूट्यूब चैनल पर. और मैं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी, थैंक यू.